यही लफड़ा होता है। लुक क्या सुनो मैम, ये सुनो मैम यहाँ पे मैम, सुनो मैम असली सोना यहाँ पे, सोना मैम यहाँ पे असली सोना, सोना जी यहाँ पे मैम यो बैठ, असली सोना यहाँ पे मैम, इधर मैम यहाँ पे असली सोना सिर्फ सामने यहाँ पे चलो अब जाए ये मैम असली सोना सही समोर, राइट साइड, मैडम समोर, मैं मांजरेकर सही मैम इतने धन्यवाद, मन्ना आभारी है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एक एकत्र है क्या, एकत्र हुए ना पूरी लगे अंदर गई, अरे कहा है हमारा साला प्लास्वा तोड़ रहा है, राजा भाई पीछा भाई साथ में जाने का, अरे तुम क्यों जा रहे हो भाई, खाली बैठो, ए ए पाल ले बांध दे, ये दत्ता बाइक इधर फिर निकलना, दत्ता गाड़ी इधर लेना सर, यहां पे सर, सर सर यहां पे सर, सर सर यहां पे सर, राइट में पुलिस सर सामने आ, सर यहां पे सर, यहाँ पे सर, सर दीप सर, सर राइट, सही हो, सही हो, सर सर यहाँ पे, सर सामने, पीछे से क्लियर, अरे क्या धक्का है, हेलो आग लगा दिया बॉस, सर यहाँ पे सर यहाँ पे लेफ्ट साइड, सर लेफ्ट साइड ये लोग करे सर, सर 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 गेट अ वन पिक्चर दिस गाय, एक साथ चलेगा ना, चल मार मार सर, इसका सर यहाँ पे सुदीप सर, सर इसका अरे चलो
जी थोड़ा मैम 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 यहाँ पर यहाँ पर मैम यहाँ पर यहाँ पे इक्वल लाइट वाला पैच आएगा पीछे से क्लियर ये ब्लॉक मत करो यहाँ पर आउट यहाँ पे 24 में फुल कैरेट मैम सेंटर सेंटर आएंगे 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 एक मिनट एक मिनट एक मिनट यहाँ पर यहाँ पे असली सोना यहाँ पे मैडम यो मैम लुक मैंने फिर वो लोग भी बुला दे ना इसीलिए ये मैडम ये असली सोना सिर्फ सामने यहाँ पे हाँ सामने यो उसने ये मैम लुक ये मैम मैम इकड़ समोर मैम इकड़ कैमरा देख के बात करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है मैम, इंट्रैक्शन ही नहीं होता. हाँ तो आप चेयर कुछ शेयर कर. लिटिल लाउडर, आई कांट हियर यू. एक्सपीरियंस तो एक बुक लिख सकते हैं. बहुत सारे लोगों से मिलने का एक मौका मिला और काम करने का. और सी जो फिल्म्स जो है और रोल्स जो है नए नहीं हैं, क्योंकि साउथ में तो बहुत सारे करते हैं हम और लीड करते हैं एक्ट करते हैं. सो कल्चरल वर्क कल्चर जो है इधर थोड़ा डिफरेंट है, तो उस माहौल का इंट्रोडक्शन होता है. और इतने लोगों से मिलना, नए नए यू नो कुछ करना, वो है एक्सपीरियंस मैम. एंड बहुत मिला है, बहुत मिला है एक्चुअली. दैट वे बहुत प्यार मिला है, बहुत. दैट वे आई कैन से दैट कीप द मनी असाइड, आई थिंक आई एम द हाईएस्ट पेड राइट नाउ इन दिस फिल्म. बहुत मिला है सबसे. सच बोलो कि झूठ बोलो, सच्ची बोलो. ओके, मुझे प्रिपरेशन जो किया है मैंने, आई थिंक वो कुछ मुझे डील करना था सलमान खान के साथ में. मैं अगर आपको बोलूँगा कि बाली सिंह का कुछ तैयारी किया है मैंने, तो शायद सच नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत सारे फिल्म्स देखा हूँ सलमान खान के साथ, सलमान खान के सर साथ.
और सर का फिल्म में जो मुझे पसंद आता है वो है उनका स्वैग, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, वो सब तो साथ में आता है ना, एक पैकेज है उधर उधर आ जाता है तो वो ही आता है. तो यू नीड टू लुक इक्वल, अगर इक्वल नहीं दिखेंगे तो आपका कैरेक्टर जो है बहुत छोटा दिखेगा, और जो छोटा है उसको तो वो आसानी से डिफीट कर लेंगे. टू इफ चुलबुल कैरेक्टर इफ सलमान सर कैरेक्टर हैज टू लुक बिग, दैट मीन्स आई नीड टू डील विथ हिम, दैट इज व्हाट आई हैड इन माइंड. सो मैं ऐसा कुछ रीजन का कैरेक्टर बनाया नहीं हूँ कि ऐसा करो ऐसा, लाइक आई स्पोक टू प्रभु सर, वी हैड अ चैट, आई इंक्रीज द स्वैग टू एटीट्यूड टू वॉट एवर इट इज 10 times मोर. और जो पर्सनालिटी मेरा भी है उसको भी डाल के ना, तो ऐसा किया कि मैं आई नीड टू कॉन्फ्लिक्ट दैट, इट्स नॉट ईजी. सी व्हाट आई एम सेइंग इज बिकमिंग अ कैरेक्टर एंड प्रॉबली अब आप दुनिया के बेस्ट एक्टर होंगे, लेकिन कभी विथ फ्यू एक्टर्स यू नीड टू डील विद देम पर्सनली, दे हैव अ कैरेक्टर टू देमसेल्व्स, वो जो आ जाता है स्क्रीन पे, अगर वो नहीं डील करेंगे तो कैरेक्टर नहीं बन पाएगा. तो व्हाट यू गोना सी बाली सिंह इज एग्जैक्टली अ रेप्लिका ऑफ सलमान खान सर्स पर्सनैलिटी. मैम हर शुक्रवार को हर किसी का हिलता रहता है तो सुपर स्टारडम क्या है एक्चुअली, मैं मानता नहीं हूँ उसे. हाँ, नाम कमाए हैं हमने फिल्म्स में, फिल्म्स देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं तो खुश हैं उसके बारे में. कोशिश ये रहता है कि आप ये इधर से कहाँ जाएं, कैसे बढ़ाएं मार्केट, कैसे बेटर फिल्म्स करें. तो आई थिंक दैट इज़ द फाइट एवरी डे, हाउ टू गेट बेटर. स्टारडम दिस फ्राइडे इज माई, नेक्स्ट फ्राइडे समबडी एल्स इज माई, तो उसको इतना सीरियस नहीं ले रहता. Ma'am, me accepting to do this role has got 2 reasons, ma'am. One, because the वो जो रैपो मैं शेयर करता हूँ सर के सोल भाई के साथ और इनके साथ वो है, और दूसरा जो है अगर इनका क्रेज़ उधर भी नहीं है तो वाई वुड एनीबडी डू एनी थिंग, मैम ऐसा नहीं है. एंड कुछ तो वजह है कि वो सलमान खान है. उनका फिल्म्स में मुझे बहुत पसंद थी. मैं थोड़ा ये जॉनरा लाइक करता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे बजरंगी भाईजान और सुल्तान बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें जो है थोड़ा अलग दिखाए हैं उनको, इमोशनली दिखाए हैं उनको, जो वो पर्सनली है, यू नो, ही इज़ डेफिनेटली नॉट चुलबुल पर्सनली. इफ यू लुक एट हिम ही इज़ वेरी मच अ सुल्तान और अ बजरंगी, वेरी मैनफुल ऑफ हार्ट, ही इज़ वेरी इमोशनल, ही डजंट शो इट, ही इज़. सो मुझे एक्चुअली आई कनेक्ट टू सच फिल्म्स ऑल्सो, सो आई थिंक मुझे बहुत पसंद है. संतोष शुक्ला इज सलमान खान के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे. सी अगर आप दिमाग में रखे जाएंगे कि सलमान खान के खान सर के साथ काम करना है, कैसा है, वो ऐसे हैं वो वैसे हैं, तो आई थिंक वो पर्सनल इशू है जो हम दिमाग में प्री कंसीव करके जाते हैं कि एक्चुअली वैसे नहीं है, वो बहुत सिंपल है, लाइफ को भी बहुत सिंपल लेते हैं. तो अगर सेट पे जाएंगे तो एक्चुअली बहुत सिंपल करते हैं, वो सेल्फलेस है. ऐसा नहीं कि अगर आपके दिमाग में कुछ है, नहीं नहीं मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, इनको ये करना चाहता हूँ,
प्रॉब्लम उधर है. अगर आप जेन्यूनली जाएंगे, जेन्यूनली कोशिश डालेंगे, अच्छे हैं तो अच्छा ही आएगा. बट यू नो वी हैड अ वेरी गुड टाइम. सो वी हैड प्लेंटी ऑफ डिनर्स टुगेदर, प्लेंटी ऑफ टाइम वी स्पेंड. सो अच्छा, बहुत अच्छा है एक्चुअली. आई पर्सनली जैसे स्टार्ट हुआ, कब फिनिश हुआ पता भी नहीं है मुझे. ऐसा लगता है दो दिन पहले आया था इधर फर्स्ट डे शूटिंग के लिए, ऑलरेडी ख़त्म हो गया मुझे. हाँ, वो तो एक फ्रेंचाइजी है जो वो लिख रहे हैं तो चलेगा ना. अगर इन एमसी दबंग जो बनाए थे, ऐसे नहीं कि ये सोच रहे कि दबंग दो बनेगा. दबंग दो के टाइम में ये नहीं सोच रहे थे दबंग तीन बनेगा. तो अगर चल रहा है तो चलेगा. अच्छा, मैं क्या बोलूँगा, कुछ नहीं है बोलने के लिए. काम करते हैं बस. वो काम उसको पसंद आ जाएगा तो और कुछ करने की कोशिश करेंगे बस.